तो नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद। आज दो वैक्सीन की शुरुआत भारत में हो गई है और उस वैक्सीन को पहले फ्रंट लाइनर जो कोरोना योद्धा हैं, फिर सीनियर सिटीजन, ऐसे कर करके हम बहुत जल्दी पूरे देश को ये वैक्सीन से कोरोना की लड़ाई में जिताना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज इस वैक्सीन का कांग्रेस ने विरोध किया है। नरेंद्र मोदी जी एक एक लैब जा करके लोगों के सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाए और पूरे दुनिया में एकमात्र देश है भारत जो दो दो वैक्सीन के साथ आया। हम लोगों को बचाना चाहते हैं और कांग्रेस की नीयत स्तब्ध करने वाली है। हमें भूलना नहीं चाहिए इन लोगों की बी टीम आम आदमी पार्टी जैसे लोग 26 जनवरी का विरोध करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो अपने ही देश पे ये सवाल उठाते हैं कांग्रेस के लोग। जब हम कृषि बिल लेके आते हैं तो उनको भ्रमित करने के लिए ये आगे आ जाते हैं, और अब जब वैक्सीन आई उस पे भी भ्रम डालने की कोशिश, उसका विरोध करने की कोशिश। ऐसी कोशिश का हमारे देश की जनता इन लोगों को सही समय पे मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं अपनी लोकसभा में खड़ा हूं, यहाँ पे हर हमारे विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारी यहाँ की पार्षद हैं, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं। हर व्यक्ति को वैक्सीन चाहिए, गरीब को कैसे वैक्सीन मिले इसकी कोशिश करनी है। लेकिन इस समय जो वैक्सीन पे राजनीति शुरू किया कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने, ऐसे लोगों को इनको सही समय पे जवाब मिलना ही चाहिए। और आप सब आगे आइए, वैक्सीन लगाइए, सुरक्षित होइए और कोरोना को हराइए।